नमस्कार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कहते आया हूं कि आज के दिन हम आपको असंतुष्ट नहीं रखेंगे आपके लिए कुछ इस इंडस्ट्री की इस इंडस्ट्री मतलब कि रंगमंच की दुनिया की कुछ हस्तियों को आपके सामने लाकर रखेंगे वो हस्तियां जिससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कुछ सीखने मिलेगा कुछ जानने मिलेगा और वैसी एक हस्ती को जिनको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं हाँ, मैं ऐसे उनका नाम नहीं बताऊंगा बट जो लोग मुंबई में थिएटर करने आते हैं रंगमंच की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं वो नादिरा जी के एकजुट ग्रुप के बारे में तो जानते ही हैं ना नादिरा जी के एकजुट ग्रुप में जो लोग जुड़ते हैं वो इनको वो अच्छी तरह जानते हैं ये इनको मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं श्री हनीफ पटनी जी को जी बिल्कुल आज आपके सामने हनीफ पटनी जी रंगमंच की दुनिया की कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको रोमांच भी होगा कुछ जाने भी मिलेगा और हाँ क्योंकि ये थिएटर भी करते हैं और कैमरा एक्टिंग भी करते हैं उन दोनों का फर्क भी आपको समझाएंगे तो ओवर टू तो हनीफ जी थैंक यू हनीफ जी पहले तो मेरे दर्शकों की तरफ से मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज वक्त निकाल के हमारे पास आए और आपका स्वागत है थैंक यू थैंक यू आपने बुलाया और हम ना ये तो बहुत ही क्या बात है सर बहुत आपने तो मतलब हमारी शान में चार चांद लगा दिया सर थैंक यू वेरी मच सर मतलब मुंबई में आने वाला हर बंदा आता है एकजुट से जुड़ने के लिए और एकजुट से जुड़ने के लिए आता है तो नादिर बब्बर जी को जानते और नादिर बब्बर जी और एकजुट के साथ जुड़ने वाला बंदा अगर आपको ना जाने तो ये तो हो ही नहीं सकता मतलब उसको बॉम्बे में रहने का कोई हक हाँ भी नहीं है नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है ये बात आपने सही कही कि मतलब जो भी बम्बई आता है तो वो अगर उसको एक्टिंग करना है बिल्कुल और सही जगह सीखना है तो वो एकजुट को संपर्क जरूर करता है बिल्कुल बिल्कुल और जो भी ये सोच के आता है और वो वो सही जो है वो सोच लेके आता है कि उसको सही जगह जाना है तो वो एकजुट ही सही और सर, एक एकजुट में आता है तो उसको सपने में भी नींद में भी जहाँ देखे वहाँ हनी वनी वनी भी दिखते होंगे हाँ या एक इत्तेफाक हो गया है मैं तो मतलब खैर ग्रुप हमारे नाइनटी एटी वन में फॉर्म हो गया था बिल्कुल और काफ़ी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे उसमें मतलब आलोकनाथ थे अनुपम खेर थे और राजा बुंदेला गिरजा शंकर ये सब ने मिल जो है वो बॉम्बे में ग्रुप फॉर्म किया था नादरा जी बॉम्बे आई थी राजर जी के आने के बाद ओके okay. जब उनको वो फिल्म मिली थी इंसाफ का तराजू ओके okay. तो वो हिट हो गई तो उन्होंने इनको यहाँ बुला लिया बिल्कुल आप यहाँ बुला लिया तो बाकी लोग भी बोले कि हम भी आ जाते हैं और उस वक्त तो इतना कुछ था नहीं मतलब टीवी वगैरह का इतने कुछ मतलब बनते नहीं थे सिर्फ डी डी में बनता था उस वक्त ये ये बना था हमारा हम लोग हम लोग बिल्कुल लोग बना था तो उसमें जो है फिर लोग वहाँ से आना शुरू हुए और फिर यहाँ पे सब आ गए तो बोले यार क्या करेंगे यार हम नादरा जी को बोलते थे बाजी बाजी मतलब बड़ी बहन होती है तो बोले आप जो है हमारे को मतलब लेके प्लेस करो ओके तो फिर में उन्होंने पहला नाइन्टीन एट्टी वन में इन्होंने पहला कब से उनके साथ जुड़े हुए मैं नहीं मैं दस साल बाद जुड़ा मैं नाइन्टी वन से हाँ नाइन्टी वन से मैं जुड़ा था इन्होंने एक वर्कशॉप की थी उर्दू एकेडमी यहाँ पे बॉम्बे में मतलब है जो महाराष्ट्र एकेडमी है ओके okay. उन लोगों ने एक वर्कशॉप की कंडक्ट की थी उसमें मतलब सारे मतलब उर्दू के जितने भी लोग थे और नॉन उर्दू वाले भी सबको मिला के उन्होंने करीबन अस्सी से सौ लोग थे उस वर्कशॉप में uh -huh. उसमें हम लोग भी थे ओके okay. उसमें जो असलम परवेज की बात कर रहे हैं वो भी थे तारिक थे फिर शुभ्र ज्योति थे फिर उसमें प्रकाश सोनी थे ये सभी लोग थे तो वहाँ पे हमने जब इनका वर्कशॉप ज्वाइन किया तब उन्होंने उसमें हमारे दर्पण मिश्रा थे जो सीनियर थे मुझसे उन्होंने जो है पिक किया मुझे कि मतलब ये लड़का जो है अच्छा है इसको ओके okay. और मैं ऑलरेडी उस वक्त हमारा एक इंटर इंटरकॉलेज ग्रुप था रंगशाला के नाम से हम लोग ऑलरेडी पृथ्वी पे परफॉर्म पर करते थे राइट right. तो शंकर शेष के उन्होंने प्लेस किए थे चेहरे जिसमें मतलब मैंने मेन रोल उसमें किया था ओके तो ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से मतलब हमने एकजुट ज्वाइन कर लिया ऐसा भी नहीं उससे पहले हम ऑलरेडी ग्राउंडिंग हो गया था बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग हुई थी क्योंकि इंटर इंटरकॉलीजिएट हम करते थे बहुत बड़ी बात और इंटरकॉलिजिएट की जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसी ट्रेनिंग है कि जिसने इंटर इंटरकॉलीट कर लिया ना तो वो कुछ भी कर सकता है सर आपको रोक लेता हूँ बिल्कुल दोस्तों ये मैं सबको बोलता हूँ कि आप कॉलेज के दरमियान इवन स्कूल के दरमियान आप स्कूल के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें डिबेट्स में पार्ट लीजिए उसमें ड्रामा में पार्ट लीजिए उसमें डांसिंग में पार्ट लीजिए तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो आपको बाद में मिलने ही वाली है बट यहाँ आपका ग्राउंड वर्क शुरू हो जाता है आपके लिए बाद में चलना आसान हो जाता है सही सर बिल्कुल सही तो ये जीता जाता है एग्जाम्पल है थैंक यू सर प्लीज़ कैरी ऑन जी जी तो शुरू इसी तरह इस तरह से हुआ था हमारा कारवां और नाइनटीन में हमने पहले तो छोटे छोटे रोल्स किए थे बाद में फिर हमें मेन जब आता है कोई भी एक्टर थिएटर में तो वो आता है एक्टिंग के लिए बिल्कुल लेकिन हमें जिम्मेदारी दे दी गई आप मैनेजमेंट सम्भालो आप फाइनेंस संभालो ओके बॉक्स ऑफिस जो है आपको देखना है अच्छा बाकी सब का सबका पेमेंट आपको देखना है तो आपने सब तरह का नॉलेज ले लिया है अनुभव सब जगह सब का, का, पानी पी लिया आपने जी जी, जी 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 और और ये मतलब मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी तो और बात तो होगी ना आप में मैंने वो बहुत ही खूबी से निभाया हाँ अपनी जिम्मेदारी जो है मतलब तो अपना काम समझ के अपने बहुत घर बहुत का, बहुत का काम समझ के अपना ग्रुप समझ के उसको मैंने निभाया और अभी तक निभा रहा हूँ थर्टी लेकर आते जोक मतलब आजकल आदमी हर रिलेशनशिप में एक, एक ये आ जाता है stagnation आ जाता है बट 30 साल रहना मतलब कुछ तो बात होगी वो है मेरी असल में नादरा जी के साथ में एक इमोशनल एक बॉन्डिंग है बिल्कुल बिल्कुल ओ, मतलब लोग बोलते हैं बाजी तो बाजी मेरे लिए एक लिटरली मीनिंग है उसकी बाजी का मतलब होता है बड़ी बहन बड़ी बहन ऐसा नहीं कि मेरी कोई बहनें नहीं बहने है मेरी चार बहनें ऑलरेडी हैं लेकिन एक बहन हाँ, बहन एक जो है जो बिल्कुल बिल्कुल और उन्होंने भी ऐसा प्यार दिया है ऐसा इस तरह से रखा है कि आ, कभी उनको छोड़ने का मन नहीं किया नहीं नहीं बहुत मैंने मैं कभी भी ये आपके शो जब देखता हूँ और बाई चांस बैक से जाके उनको मतलब उतना पर्सनल मेरा तो है नहीं बट उनको देख के भी एक अलग से एक प्रतिभा उनकी है एक है, अलग से इमेज है बिल्कुल यस yes, बहुत आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल बात में दम है अच्छा सर मुझे अभी आपको ये पूछना है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ओके तो आप मुझे क्या सलाह दोगे मैं कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या थिएटर करूँ देखिए ये डिपेंड करता है एक्टर को एक्टर के ऊपर कि वो एक्टर जो है वो क्या करना चाहता है उसको एक्टिंग अच्छी तरह से सीखनी है या सिर्फ़ उसे जो है फिल्मों में जाना है टीवी सीरियल में जाना है या सिर्फ़ फ़ेमस होना है अच्छा ये दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है बहुत फ़र्क है इसलिए कि अगर आप थिएटर करते हैं ना तो आप थिएटर करते हैं मतलब आप रेगुलर जो है आपकी एक्टिंग की जो है वो ट्रेनिंग चलती रहती है ओके आप अपने आप को जो है फाइन ट्यून करते रहते हो और ग्रोथ होते रहते हो ग्रोथ होती रहती है आपकी हर वक्त आप रिहर्सल अटेंड कर रहे हो आप देखते हो एक एक्टर कैसा कर रहा है खुद भी आप जब करते हो क्योंकि हमारी जो विधा है वो करने की विधा है बिल्कुल हम ये सब नहीं कर सकते कि अरे अरे यार ये सीन मैंने पढ़ लिया ये मैं ऐसा कर लूंगा हुँ हुँ। कर लूंगा नहीं होता है आपको करके दिखाना होता है बिल्कुल बिल्कुल है ना जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे तो वो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है या आपका जो डेडिकेशन है या आपका जो एक्टिंग के प्रति आपने जितना सोचा हुआ था right. वो हमको दिखेगा नहीं तो अगर एक्टिंग मतलब अंदर से सीखनी हो और मतलब एक जज्बा है कि एक्टर मतलब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ मतलब टीवी पे दिखना हो एक्टर बनना अलग बात है जी तो एक्टर बनना है तो थिएटर करना जरूरी है थिएटर करना जरूरी है और ये, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते नहीं नहीं वो भी बिल्कुल अच्छे होते हैं बहुत अच्छे काम करते हैं वो लोग भी लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उससे अलग हो जाते हैं बिल्कुल फिर उसके बाद अगर आपको करना है तो या फिर आप खुद जो है अपने आपने इतनी चीज़ें सीखी हुई हैं कि आप खुद जो है अकेले उसको कर सकते हो अगर आप में वो तो, कैपेबिलिटी तो, 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 है हैिटी है लेकिन जनरली ये जो होता है वो मुश्किल होता है क्योंकि कि किसी और को का देखना जो है वो जरूरी होता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हाँ हा, किसी और का देखना जरूरी, जरूरी होता जरूरी है तो यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा सर आजकल तो सब डिजिटल एरा में ऑनलाइन होने लगा है और ऑनलाइन लोग एक्टिंग सीखते हैं या यूट्यूब से एक्टिंग सीखते हैं तो जब आप ये जो बोल रहे हो उसके साथ तो ये कॉन्ट्रेक्ट हो रहा है तो क्या मैं एक्टिंग ऑनलाइन सीख सकता हूँ आप एक्टिंग के हर हर कोई चीज़ भी आप सीख सकते हैं ऑनलाइन लेकिन मैंने जैसे बताया ना आपको कि हमारी जो विधा है वो करने वाली विधा है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो और ऑनलाइन में जो आप अभी आप मेरे साथ पर्सनल बैठे हुए हैं आपको मैं कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन है, हाँ. है ना ऑनलाइन में वो कम्युनिकेशन कहीं पे जो है ब्रेक होता है ब्रेक होता है है ना उसके अंदर आप अपने घर से काम कर रहे हैं और ये अपने घर से काम कर रहा है इसका जो काम करने का जो एरिया है उसमें किस तरह की जो है बाधाएं हैं या किस तरह की फैसिलिटीज़ है वो अप, वो खुद जान सकता है और वहाँ जो बैठा हुआ है उसको मतलब वो क्या दिमाग में सोचा हुआ है उसके पीछे क्या चल रहा है वो आप नहीं बता सकते ना। तो दोनों अलग अलग माहौल में बैठे अलग अलग एटमोस्फेयर में बैठे आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं तो आपने मुझे बोला विपुल जी ये ये सीख लो जी। मैंने सीखा बट उसमें से सीखने के बाद मैं जब परफॉर्म करता हूँ एम आई गिविंग आपने जो सीखा है उसका एम आई गविंग हंड्रेड परसेंट या फोर्टी या फिफ्टी परसेंट या सिक्स अगर सामने होगा तो शायद आप मुझे बट ऑनलाइन आप नहीं बता सकते मुश्किल होता है उसमें मतलब तो कहीं ना कहीं मतलब डिग्री का फर्क हो सकता है बेशक आप सीख सकते हो सब कुछ लेकिन का फर्क होगा जो एक आपको मतलब कर रहे हो तो डेफिनेटली आप हाँ। क्योंकि आपका जो कोच है आपको गाइड करेगा आप कुछ गलत कर रहे विपुल जी आपने आपको हाथ यहाँ तक लाना था आप यहाँ तक क्यों लाए तो ये जो छोटी छोटी चीजें जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ तो शायद जो वन टू वन कोचिंग में जो फ़र्क पता है या आ, आमने सामने बैठ के जो कोच सामने हो और ये जो ऑनलाइन है, है बहुत बहुत फर्क ऑनलाइन के नॉट रिप्लेस नहीं बिल्कुल नहीं definitely. रिप्लेस कर सकते बिल्कुल नहीं रिप्लेस कर सकते हमारे ये अभी, अभी लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी कि लोगों ने जो है नाटक शुरू कर दिए थे ऑनलाइन करना और इंटरव्यूज होना शुरू हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें हुई लेकिन जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने वाली जो बात होती है ना कि आप लाइव ऑडियंस सामने अभी मैंने पृथ्वी परफॉर्म किया अभी तो ऐसा मतलब लग रहा लगता कह रही हाँ मतलब आप भले ही वो सौ लोगों के बीच में करना पड़ा डेफिनेटली फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी में करना पड़ा लेकिन तब भी ऑडियंस सामने बैठी है और आप परफॉर्म कर रहे हैं माहौल तो वो तो वो एक अलग होता अलग भार निक भार है एक नशा एक अलग होता बिल्कुल, है बिल्कुल हनीफ भाई एक आपके पास एक रेयर कॉम्बिनेशन है आप थिएटर में भी इतने घुसे हुए और आपने फिल्में और सीरियल्स में भी मतलब बहुत सारा काम किया मतलब आपको गिनने बैठो तो शायद हमारा ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाए तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दोनों के एक्टिंग में क्या कोई फर्क है या सेम है नहीं सर एक्टिंग में तो कोई फर्क नहीं होता है सिर्फ मीडियम में फर्क है मीडियम की वजह से प्रेजेंटेशन में, में फर्क आता है में वही मतलब मेरा जो एक्टिंग का मतलब मेरा वही था एक्टिंग में जो मतलब आपका जो इमोशन है तो आप जब अगर आप गुस्सा हो तो आप गुस्सा हो तो आप गुस्सा दिखाओगे दिखाओगे बिल्कुल थिएटर में आपको थोड़ा सा ज्यादा करके दिखाना पड़ता है क्योंकि आपका जो लास्ट वेंचर है उसको भी वो इमोशन दिखना चाहिए लाउड परफॉर्म लाउड करना पड़ता में। है थोड़ा सा ज्यादा और वही चीज जो है आप अगर कैमरा के सामने करते हैं तो आपको बहुत उससे कम करनी पड़ती है लेकिन उसमें भी ऐसा है कि अगर आप एक मास्टर शॉट ले रहे हैं तो उसमें को पूरा वैसे पड़ता है बिल्कुल 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 लेकिन उसके बाद अगर आप जब क्लोज अप कर रहे हो तो फिर वही चीज़ आपको मतलब आप यहाँ हाथ हिला रहे थे तो फिर आपको यहाँ हिलाना पड़ा लिमिटेड फ्रेम में फ्रेम छोटा हो जाता है बस लेकिन इमोशन तो उतना ही वैसा ही रहता है डिग्री भी वही रहती है इंटेंसिटी तो वही रहती, वही है।, रहती है।, है बट खाली जो आपका प्रेजेंटेशन टेक्निक थोड़ा बदल जाता yes, yes, है बिल्कुल, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि थिएटर का जो स्क्रीन होता है फुल स्क्रीन होता है उसके अंदर आप पूरी बॉडी के साथ जो है आप जो है परफॉर्म करते हो तो वेन यू डू थिएटर यू नो हाउ यू आर यूजिंग योर हैंड्स योर पोस्चर्स एंड एवरीथिंग वही चीज़ अगर आप फिल्मों के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा उसके लिए कम करना पड़ता है फिल्म छोटा हो जाता है फिल्म छोटा हो जाता है टू शॉट हो जाता है या थ्री शॉट हो जाता है तो उसमें आपको कम करना पड़ता है टीवी में तो बिल्कुल भी कम करना पड़ता है राइट एक बार ऐसा हुआ था मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ मैंने जब फर्स्ट टाइम जब टी किया था थिएटर से तो वो वो था सीरियल महायज्ञ सोनी पे था अनिल चौधरी जी ने उनको डायरेक्ट किया था तो मेरा ये सीन था मैं नौकर का रोल कर रहा था उसमें ओके okay. और ये सीन था कि मैं एक मनोहर सिंह जी है उनके यहाँ पे काम करता हूँ और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है उनका पॉलिटिकल एक झंडा था वो झंडे को के जो है ना हम लोगों ने कच्चे बना लिए हैं झंडे के कच्छे बना लिए सब सबके okay. वो मतलब तो वो हार गए थे तो कच्छे बना ल और जो है नौ, बाकी नौकरानियाँ जो है ना वो देख रही हैं क्योंकि ये हमारी क्लास ले रहे हैं सिंह तो आप मुझे ये देखना था दिखाना था कि वो लोग भी देख रहे हैं तो मैं थिएटर का बंदा था तो मैं थिएटर का ऐसा करके देख रहा था ऐसा तो बोले कैमरा मैन बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप अच्छा क्या हुआ बोले ये कैमरा इतना ही है शॉट इतना ही है आपका आप कैमरे के बाहर जा रहे हैं मतलब ओके शॉट से बाहर निकल रहे आपको सिर्फ ऐसा करके देखना है अच्छा मतलब इतना डिफरेंस जो है उस वक्त जब मैंने मतलब इस बात को महसूस किया क्योंकि पहले इससे पहले कभी किया बिल्कुल नहीं। था बिल्कुल बिल्कुल जब किया तब पता चला कि अच्छा ये है मामला तब से जो है वो दिमाग में बैठ गई कि ये है, हाँ, ये सटल है है छोटा फ्रेम है और ये बड़ा तो आप फ्रेम आपने सिर्फ ऐसा देख लिया ना मतलब ये कि आप वो वो लोग को आप देख रहे हैं राइट और हम थिएटर में देखते हैं तो हम ऐसा दिखाते हैं अरे क्या बिल्कुल 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 बस ये डिफरेंस तो सर ये ऑडियंस के लिए एक रजिस्टर करने के लिए ऑडियंस को एक बात बताना चाहूंगा कि थिएटर जो है इज अ लाउड मीडियम अब ये लाउड क्यों है क्योंकि मैं स्टेज पर हूँ और ए टू जेड छब्बीस रो है तो मेरा जो डायलॉग है मेरे जो एक्शन है छोटी छोटी बातें छब्बीस में रो में भी दिखाई देनी चाहिए इसलिए मुझे लाउड रोना है जबकि मैं कैमरा के सामने आता हूं तो कैमरा मेरे बहुत नजदीक होता है तो कैमरा मेरी छोटी छोटी चीज़ों को ऑलरेडी उसकी लेंस मैग्नीफाई करता है और उसका फ्रेम भी लिमिटेड होता है तो मैं कुछ ज़्यादा बाहर करने जाऊंगा तो मैं आउट ऑफ फ्रेम हो जाऊंगा इसलिए मैं कैमरा के सामने जब होता हूँ तो आई हैव टू बी सेटल ताकि कैमरा मुझे बराबर जस्टिस दे सके तो ये मैंने आपको डिफरेंस समझाने के लिए किया और शायद यही चीज सर आपको कहना चाह रहे तो यही चीज मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दी right. और एक खास बात जो है जो सर भी बताएंगे hmm. बट बत एक है कि जब आप थिएटर करते हो ना तो आपको रिटेक का चांस नहीं रहता नहीं तो ऑडियंस अंडे फेंकेंगी सर पे तो आपको परफेक्ट होना ही चाहिए यू हैव नो चॉइस बट बीइंग परफेक्ट बींगफेक्ट राइट सर राइट बट कैमरे के सामने चांसेस है कि आप रीटेक भी दे सकते हैं नहीं सर ये शॉट अच्छा नहीं है सर रिपीट कर दो दूसरा टेक तीसरा टेक कैमरा गिव्स यू चांस ऑफ रीटेक दैट डज नॉट मीन इट्स गुड इट्स बैड थिएटर टीचीज यू टू बी परफेक्ट नहीं सर ये बात मैं नहीं मानता हूँ अच्छा क्योंकि आप जब थिएटर करते हैं तो आप कम से कम एक डेढ़ महीने की रिहर्सल करते हैं बिल्कुल और एक डेढ़ महीना रिहर्सल करने के बाद आपको इतना तो होना चाहिए कि आपकी कोई गलती ना हो बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वही चीज़ जो है अगर आप फिल्म कर रहे हैं या सीरियल कर रहे हैं टी कर रहे हैं तो आपको इतना वक्त नहीं मिलता कि आप रिहर्सल करें बिल्कुल तो इस वजह से वो रिटेक हो जाते हैं और टीवी वगैरह में इसलिए भी रिटेक होते हैं क्योंकि टेक्निकल भी कुछ फॉल्ट होता है काफ़ी चीज़ें उस वजह से होते हैं तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मतलब थिएटर जो करते हैं वो मतलब बहुत ही वो मतलब बहुत अला काम करते हैं इस बात को मैं मतलब होते हैं बिल्कुल होते हैं right. लेकिन ये करना भी टफ है okay. फिल्मी करना भी टफ है hmm. क्योंकि क्या होता है देखिए हमारा जब जब हम थिएटर करते हैं तो हमारी एक स्टोरी जो है ना बिल्कुल एक लीनियर उस पर चलती है राइट हाँ जब हम फिल्म करते हैं तो दसवां सीन पहला किया पच्चीसवा उसके बाद किया पहला सीन बाद में किया तो वो सब कुछ जो है आपको मतलब दिमाग में रख के करना होता है ना, राएग वो राएग बहुत मुश्किल चीज़ होती है सर तो दोस्तों मैं कान पकड़ता हूँ सर ने जो कहा वो बात सही है और दोस्तों खास बात यह है कि आजकल जो डेली सोप की बात चल रही है वहां डेली सोप में एक डायरेक्टर को दिन के 22 मिनट शूट करके देने हैं एडिटेड वर्जन में 22 मिनट होने चाहिए मतलब उतना उसके पास मटेरियल होना चाहिए और वहाँ पर आपके पास ज़्यादा रिटेक का चांस होता ही नहीं है ज़्यादा रिटेक करने गए या कोई कभी कभी डायरेक्टर गर्म हो जाते भैया आपको मोगलेम नहीं बनानी हमको ऑस्कर के लिए नहीं जाना बिकॉज यू हैव टू बी एन एक्टर और स्पॉन्टीनियस एक्टर और जितना मिनिमम टेक्स में करोगे एम आई राइट सर हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप लेकिन वहाँ पे जो है बाकी चीज़ें भी हैं जो मतलब बाकी फैक्टर्स भी काम करते हैं फैक्टर भी होते हैं काम करते हैं तो वहाँ पे मैनेज किया जा सकता है लेकिन एक एक्टर के लिए ये जरूरी है कि एक जो है उसका जो मोमेंटम चल रहा है वो एक इमोशन चल रहा है वो, वो अगर फ्लो एक ही फ्लो, फ्लो में बोल देगा तो वो अच्छा दिखता अच्छा दिखेगा अगर अगर आप वो एक फ्लो में नहीं बोलते हैं तो आप कितना भी कर लें आप मैनेज करने की कोशिश करें वो दिखाई देता है कि नहीं एनर्जी डिफरेंस पता चल जाए एक फ्लो में तो एनर्जी का सेम फ्लो आ जाता है बिल्कुल वो फर्क आता है अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि थिएटर का लाउड एक्टिंग और इसका सटल एक्टिंग और डिफरेंसिस बता दिए एक एक्टर अगर एक्टिंग की चाह है जिसमें जिसको लाइव ऑडियंस का ये मजा लेना है तो तो थिएटर से ही वो अपनी आ, जो बोले भूख मिटा सकता है ओके okay? पर आ, एक सवाल मेरे दिमाग में है क्या मैं फुल टाइम थिएटर एक्टर करके अपनी जिंदगी निभा सकता हूँ आई टेक दैट एज अ प्रोफेशन या उसको हॉबी तक ही रखना चाहिए कि वीकेंड थिएटर करो और बाकी एक जगह नौकरी करके आई डोंट नो हाउ फार आई एम हाउम बहुत सही सवाल किया है आपने ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं मतलब बाकी के भी देश जो हैं वो जो हैं ब्रॉडवेज वगैरह भी जो हैं वो प्रोफेशनल थिएटर जो करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना थिएटर करके बिल्कुल क्योंकि थिएटर करके आदमी जो है वो अपनी घर नहीं चला सकता है थिएटर करके आदमी घर नहीं चला सकता है पर ये चीज़ हमने भी सीख ली है हमारे यहाँ पे भी जो लोग आते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप शाम के वक्त आपको रिहर्सल के लिए आना है अगर प्ले करना है तो बाकी दिन आप जो है स्ट्रगल करो आप ऑडिशंस दो आप काम करो कहीं और कहीं असिस्ट करो कुछ करो लेकिन क्योंकि हम इतना पैसा नहीं दे सकते थिएटर बस इतना आपका करता है कि आपकी जो एक्टिंग की प्रतिभा है उसको और फाइन ट्यून करता रहता फाँट्यून है उसको माँजता रहता है राइट बस वो मदद करता है बाकी की चीज़ें जो है मतलब ब्रेड एंड बटर जो है वो जो है थिएटर से एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा हो सर थोड़ा मैं लोगों के से बात कर लूँ बिल्कुल बात कीजिए दोस्तों ये बहुत पते की बात है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में आने वाले लोग बिना कभी सोचे समझे बिना अपना सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचे समझे आ जाते हैं और फिर आके फिर पता चलता है कि पानी में तो कूद पड़े पर तैरना नहीं आता और फिर डिप्रेशन में जाना ये सब होना तो मैं आपको बता दूँ थिएटर करना तो बहुत ज़रूरी है बट थिएटर विल नॉट सपोर्ट यू फॉर लाइफ सी थिएटर खुद आपको वीकेंड में अपनी हॉबी के तौर पे कीजिए और जितना करना है उतना कीजिए बट अपने पास एक बैकअप प्लान अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल जो कमाने की बात है वो सब वो सब आपको सोच के आना है डोंट जस्ट बी सो ब्लाइंड मैं आपका जज्बा समझ सकता हूँ एक आपके जज्बात को समझने के लिए मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि आपके जज्बात है कि आपको एक्टर बनना है और आपको कमाई की कोई चिंता नहीं है तो आप अपने जज्बात को जिंदा रखने के लिए अपने घर वालों का बलिदान नहीं ले सकते एक आप... बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप आप बोलेंगे कि यार आप तो तीस साल से कर रहे हैं तो आप कैसी थिएटर कर रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं नादरा बब्बर जी के थिएटर ग्रुप में काम कर रहा हूँ ओके okay. और नादेरा बब्बर जी का सपोर्ट जो है राज बब्बर जी का सपोर्ट है बिल्कुल अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो मैं भी मतलब इतने समय तक जो है थिएटर नहीं कर सकता था बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है अब ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि और हमारे यहाँ ऐसा होता है नादरा जी का ग्रुप जो एकजुट ग्रुप है उसमें अगर आप रिहर्सल भी कर रहे हैं आप सिर्फ रीडिंग भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी समोसा और चाय आती है ओ माई गोड्स रियली गुड मतलब ये कि मतलब एक्टर की एक इतनी एक इज्जत दी जाए जी, जाए समोसा और चाय से वो इज्जत की हाँ, बात वो, है वो इज्जत वही उनका मतलब नादरा जी के यही चीज़ें हैं जो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लोगों को बांध के रखती है जो एकजुट जो नाम है जो एकजुट करके रखी है वो उसका मतलब ये है क्योंकि वो हर किसी को जो है वो अपना बना के रखती है रख दैट्स रियली ग्रेट पर यही जो अपना बनाने वाला है मैं जो है वो सो तीस साल से मैं जो वो, वो क्या बात है ऑफ ऑफ ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए तीस साल से नादिरा जी ने इनको पकड़ के रखा है मतलब इनमें भी तो कोई बात होगी देखो रिलेशनशिप हमेशा दो तो तरफ ही होता है तो उनमें भी कोई बात है इनमें भी कोई बात है तभी तो रिलेशनशिप इतनी गहरी बनी हुई है बट ये ध्यान रखिएगा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अपना सोच लीजिएगा हाँ जी मैं कहाँ से आता हूँ किस बैकग्राउंड से आता हूँ मेरे पे डिपेंडेंट कितने लोग हैं क्या मेरे माँ बाप अभी इस उम्र में मुझे सपोर्ट कर सकेंगे मेरे पास पैसे नहीं होंगे या मैं उनकी बचत को मैं उनसे छीन लूँगा और उनका जीना हराम कर दूँगा ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में आने वाले कई लोग इतने अपने जज्बात अपने जज्बात अपने जज्बात को लेकर अपने घर वालों का बलिदान देते हैं जिस इज विच इज एक्चुअली रॉन्ग सर दैट इज़ वॉट आई एम क्योंकि ये जो जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमें सिर्फ थिएटर ही करना है वो बिल्कुल ये ना सोच के करें कि आ, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे ये करना ज़रूरी है हमारे ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो ऑलरेडी एस में काम कर रहे हैं इंजीनियर है वो बोलते हैं कि नहीं अभी तो मुझे थिएटर ही करना है सिर्फ हम उसको बोलते हैं भाई साहब थिएटर करो ना हम का मना कर रहे हैं आपको करो लेकिन आपको वो नौकरी छोड़नी नहीं है आप वो करते हुए भी कर सकते हैं पहले आप जो है इसमें आपको लगे कि हाँ भाई मेरे मुझे है बीस दिन जो है काम मिल रहा है पक्का तो फिर आप छोड़ दीजिए हाँ पर फिर भी वो बीस दिन काम मिल रहा है एक प्ले खत्म हो जाने के बाद बाद में वकील दूसरे प्ले के, के साथ साथ फिर और भी चीज़ें और भी, चीज़ें। और भी, और भी चीज़ें। जैसे हम लोग जब एक बैकअप प्लान होना चाहिए जैसे हम लोग अभी करते हैं तो थिएटर के साथ साथ हमें स्कूल के भी काम मिलते हैं स्कूल के वर्कशॉप्स मिलती हैं बाकी ग्रुप के वर्कशॉप्स मिलती हैं हम बाहर वर्कशॉप्स करने जाते हैं तो ये जो है सपोर्ट जो है फिर हमें हाँ। भी ये भी सर शायद बिकॉज आपके तीस साल है शायद मैं अभी नया नया थिएटर में जुड़ जाऊ तो मेरे को ये सब काम नहीं मिलेगा तो आई शुड है yes, और ये मुझे ये अपनी उम्र भी देखनी है कि मैं किस उम्र में एंटर हो रहा right. सर ऐस मेरे लाइफ में बैगेजेस कितने बैगेज मतलब मैं क्या शादीशुदा शुदा हूँ बीबी बच्चे हैं जून महीने में बच्चे की फीस भरनी है और उधर में बोलो सर मेरे पास पैसे नहीं तो नहीं चल सकता द रियलिटी द जो लोग कुछ बिना सोचे समझे आ जाते मैं इस उम्र में मेरे डैडी मम्मी मेरे पे डिपेंडेंट है अभी डैडी मम्मी की रिटायरमेंट के जो पैसे बचा के उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए रखे थे मेरे पास अभी पैसे नहीं है डैडी अभी दो चार शो भी नहीं हुआ पैसे नहीं है तो आप अपना एफ तोड़ दो तो ये जो होती है चीजें है, बात आपकी बातों से मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ऐसे भी माँ बाप हैं आजकल के दौर में नए बच्चे आजकल इतने जो है लकी हैं कि वो बच, वो जो माँ बाप जो चाहते थे थिएटर थे थे करना वो उनका वो सपना पूरा नहीं हो सका था अपने बच्चों के तो वो जो है, है। अपने बच्चों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं वेरी गुड कि जाओ तुम तुम सीखो हम हैं हाँ, तो ये चीज देख के ना हमें बहुत, बहुत बहुत खुशी होती है नहीं नहीं मतलब हम उनको बोलते हैं हम बच्चों को बोलते हैं कि देखो यू आर लक्की बिल्कुल आप अपने जो है फादर मदर को जाके थैंक यू बोलो बिल्कुल. कि आपको जो है इतना मौका मिल रहा है हुँ. हमारे जमाने में तो पता ही नहीं था हमको कि हम कहाँ जा रहे हैं कोई हमें गाइड करने वाला कोई नहीं, नहीं था, था। कोई नहीं था तो ये मतलब दे शुड थैंकफुल टू तो देयर पेरेंट्स डेफिनेटली डेफिनेटली और सर मेरी भी यही कोशिश है ये जो मैंने एक जो मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने इंडस्ट्री के सही लोग नाम के बैनर से मैं काफी कास्टिंग वालों को लाके इधर उनके इंटरव्यूज लिए हैं और आप जैसे लोगों को भी लाता क्योंकि आज का तो दिन लाना ही था वर्ल्ड थिएटर डे है सर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस है तो आपको लाना ही था बट मेरा भी कोशिश यही है कि जो लोगों को कहीं से कुछ पता नहीं चले कि कहाँ जाना है तो एटलीस्ट दे हैव अ प्लेटफॉर्म ऑन विच दे कैन कम एंड डू दिस दोस्तों एक्टर बनना चाहते हो ना सिंपल ऑडिशन दीजिए हाँ ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए बिल्कुल बट डेली ऑडिशन अपडेट्स